मैंने अपने मिनिस्टर्स को, जो कल भर्ती होंगे, क्लियरली एक मैसेज दिया है कि जो गलती आईपीएफटी ने किया बीजेपी के पहले सरकार में, कि मंत्री बनने के बाद चुप बैठ गए, पॉलिसी जब हमारे लोगों के खिलाफ था तब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, ये नहीं चलेगा। एक फ़र्क तो है, एनसी देव वर्मा आईपीएफटी के प्रेसिडेंट थे, वो मिनिस्टर बने, और मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी थे, वो मंत्री बने। जिस दिन पार्टी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ही मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पार्टी छोटा हो जाता है। मैं बीजेपी की सरकार में नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं बाहर रहकर एक प्रेशर रखूँगा। और मैंने अपने मंत्री को कहा है, अगर हमें लगा कि काम नहीं हो रहा है, एक इशारा में आपको मंत्री पद छोड़कर हमारे पास आना पड़ेगा। प्रेशर अंदर से होगा, प्रेशर बाहर से होगा, प्रेशर सिविल सोसाइटी से होगा, और प्रेशर सेंटर में भी अपना ही लोगों को भेजकर हम क्रिएट करेंगे। पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से अंदर घुस के प्रेशर रखें कि हमें अपना ज़मीन का, पॉलिटिकल राइट्स का, फंडिंग का, लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का, कल्चर का, ऐतिहासिक का करेक्शन मिले। अमित शाह ने पहला मूव किया है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है, आगे का रास्ता देखना है। लेकिन हमें हर तरीके से, हर तरफ से, अंदर से, बाहर से, सब जगह से प्रेशर रखना है। कैबिनेट के अंदर हमें प्रेशर रखना पड़ेगा ये दो मंत्री के थ्रू। आज पहली बार है कि 11 मंत्री में 5 तिपरासा होगा, संतना, ऋषिकेतु, अनिमेश, शुक्ला और विकाश, सब तिपरासा है। पार्टी अलग हो सकता है लेकिन सब तिपरासा है। प्रेशर कैबिनेट पे आपको रखना पड़ेगा, पार्टी के बाहर, कैबिनेट के बाहर मैं प्रेशर रखूँगा, और सिविल सोसाइटी से भी आपको प्रेशर रखना है। अगर हम ईमानदार रहे तो पार्टी का इतना मतलब नहीं जाता जितना हमारा ईमानदारी मतलब रखता है। तो ईमानदारी से काम कीजिए, एडीसी में काम कीजिए, कैबिनेट के अंदर काम कीजिए, और दिल्ली में भी अपना ही आदमी भेजेंगे जो हमें रुकावट ना दे। सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर से, जो दिल्ली में हमें हेल्प करे, कैबिनेट के अंदर हमें हेल्प करे, एडीसी में हमें हेल्प करे, और जो हमारे लोगों को हेल्प करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग उल्टा सीधा बोलेंगे लेकिन नहीं, समय को देखकर इंडिया में आज पक्का हो गया है कि यही सरकार आएगी, तो हमें यही सरकार से कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाना है। ऑपोजिशन, मैं जितना भी उनको प्यार करूं, वो पावर में नहीं आ रहा है, तो हमें देखना है कि कौन पावर में है और कौन ही हमें हमारा न्याय दे सके। इसके लिए दिमाग से सोचकर हमने ये कदम उठाया है, और अगर हमें लगा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हमें बिना डर कर कदम वापस भी लेना पड़ेगा। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल, सोचिए, समझिए, और राइट टाइम में राइट डिसीजन लीजिए। बेलाइनो हम बाय।